गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ, कैसे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म किया हमने, है ना? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखते हैं इसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले बात आएगी सीक्वेंस की, है ना? अ सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट लॉ इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। सेट ऑफ नंबर्स जो किसी भी एक डेफिनेट लॉ से अरेंज होंगे, दैट आर कॉल्ड सीक्वेंस, है ना? एक एग्जांपल है ऐसे, लाइक 2, 4, 6, 8, ये सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? इसमें हर नंबर में 2 ऐड हो रहा है ना? 3, 9, 27, 81, 243, इट इज ऑल्सो ए सीक्वेंस। इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, 3 की 3 में 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। तो दिस इज सीक्वेंस। अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक जनरल टर्म दी मैंने an+1, है ना, आप इससे एक सीक्वेंस प्रिपेयर करो। आप सबसे पहले n1 पुट करोगे, 2 a2 पुट करोगे, a3 पुट करोगे, 4 है ना? तो ये क्या बन गई? मेरी सीक्वेंस बन गई जो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। अब इस सीक्वेंस के अंडर व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जो इसका पार्ट है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं, उसके डेफिनेशन देखें। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एपी, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर्स टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, है ना? हर एक पिछली टर्म में मैं एक फिक्स नंबर को ऐड करूं और मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाए फर्स्ट टर्म को छोड़ के, इसके बाद फर्स्ट टर्म गिवन होगी, है ना? फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन होगी, तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। या फिर मैं डेफिनेशन लिखता हूं, ए सीक्वेंस इज एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस डी बिटवीन द टर्म्स इज सेम, है ना? लाइक मेरे पास टर्म है t1, t2, t3, t4, t5, t6, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये टर्म्स कैसे आ रही है? मैं कोई ना कोई फिक्स नंबर इस प्रिसीडिंग टर्म लास्ट इसमें ऐड कर रहा हूं, तो t2 आ रहा है, t2 में वही सेम नंबर ऐड कर रहा हूं, t3 आ रहा है ना? तो वो सेम नंबर निकालेंगे कैसे हम? t2 - t1 ऑलवेज इक्वल्स टू t3 - t2, t4 - t3, t5 - t4, सोन इक्वल्स टू डी, है ना? वो फिक्स नंबर क्या होगा हमारा? डी। एंड व्हाट इज डी? डी इज द कॉमन डिफरेंस। देन हाउ टू फाइंड डी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। किसी भी दो कंजेक्टिव टर्म्स में, 4 में से थर्ड को माइनस करूंगा तो भी क्या आएगा? डी। वो फिक्स नंबर जो है, वो फिक्स वैल्यू है, वो सेम रहेगी हमेशा, है ना? वो कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है। उसको अगर मैं लास्ट टर्म में ऐड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगी, फिर ऐड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ये मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है, है ना? विच ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इफ द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। हमने कैसे चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं? मैंने 3 में से 5 को माइनस करना है, आंसर इज -2। देन 1 में से 3 माइनस, आंसर इज -2। -1 - 1, आंसर इज -2। सो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज सेम, यस इट इज एन एपी। हियर द फर्स्ट टर्म जो है वो ए होगी हमेशा, फर्स्ट टर्म इज 5। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? डी इज -2, द फिक्स्ड नंबर इज -2, है ना? डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? अगर इसमें आप -2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। 3 में -2 ऐड करेंगे
प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वन, है ना। वन में अगर माइनस टू ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस वन, है ना। तो वही बात आ गई कि हम लास्ट टर्म में अगर फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, एंड दैट फिक्स नंबर विल बी द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको चेक करता हूं मैं कि ये एपी में है या नहीं। सो टू माइनस टू जीरो, अगेन टू माइनस टू जीरो, अगेन थ्री माइनस टू वन, नो। यहां पर आकर जो मेरी फिक्स नंबर है वो चेंज हो गया, सो आंसर आएगा नो, इट इज नॉट एन एपी, है ना। तो बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें आपने सिर्फ यही चेक करना है कि मेरी जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं। एपी में चेक करने के लिए आपने क्या करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस, थर्ड में से सेकेंड, ऐसे सभी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आने चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रहे तो मेरी सीक्वेंस एपी में नहीं है, और अगर वो सेम आ रहे हैं तो मेरी सीक्वेंस एपी में है, एंड द फर्स्ट टर्म इज टू, एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, द फिक्स्ड नंबर विच विल बी एडेड इज फिक्स्ड नंबर, कॉमन डिफरेंस, है ना। जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फोर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए इज एट एंड कॉमन डिफरेंस डी इज फोर, ए एट डी फोर, सो फर्स्ट टर्म इज एट, सेकेंड टर्म कैसे आएगी जब मैं एट में कॉमन डिफरेंस को प्लस करूंगा, थर्ड टर्म कैसे आएगी जब मैं सेकेंड टर्म में फोर को प्लस करूंगा, फोर्थ टर्म कैसे आएगी, सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी, सो फोर टर्म्स ऑफ ए पी आर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी सोल्व। अगर आपको टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, जो टर्म आपके पास आएगी उसमें अपने डी को ऐड कर देना, जो टर्म आपके पास आई उसमें अपने डी को ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस इन एपी। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आज भेज रहा हूं आपको 5.1 एक्सरसाइज के, वो आपने सॉल्व करने हैं। मेरे दो एग्जांपल्स और देख लो आप, जैसे द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज दिस इज द सीक्वेंस इन एपी, अगर आपको nth टर्म दी हुई है तो आपने फाइंड करना है कि क्या ये सीक्वेंस एपी में है, उसके लिए आप सीक्वेंस निकालोगे, पुट n इक्वल्स टू 1, पुट n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, 8 माइनस 3 5, सो सीक्वेंस आ गई माइनस 1 1 3 5। आप इसको चेक करो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, तो आप क्या देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सेम है, सो यस इट इज nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना। मेरी एक बात और याद रखनी है, जब भी मेरी nth टर्म जो है वो लीनियर फॉर्म में होगी, दिस इज लीनियर फॉर्म, क्योंकि n की पावर यहां पर कितनी है 1, है ना, तो वो हमेशा एक एपी ही फॉर्म करेगी। अगर मेरी nth टर्म लीनियर फॉर्म में है तो वो हमेशा एक एपी ही फॉर्म करेगी। बट आपने उसको चेक कैसे करना है, ऐसे पहले वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास टर्म्स आएंगी, कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है देन वो nth टर्म है एपी की, है ना। अब स्टेटमेंट वाला दो सम मैं बता रहा हूँ कि आपने उसे स्टेटमेंट वाले सम में बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट एपी फॉर्म करती है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, है ना। तो इसमें जब उसने फर्स्ट किलोमीटर कवर किया तो उसके कितने पैसे लगे, 15 रुपीज, नेक्स्ट 1 किलोमीटर में 15 प्लस 8 23, नेक्स्ट 23 प्लस 8 31, नेक्स्ट 31 प्लस 8 39। तो मैं क्या देख रहा हूं, फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सब में 8 8 ऐड हो रहा है, तो सीक्वेंस बन रही है, इसमें फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, सो इट इज एन एपी, है ना। सेम फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, अगर सेम फिक्स अब नंबर ऐड ना हो रहा होता तो ये एपी ना होती। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, है ना। ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। लेट सी, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर एक्स
तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म x माइनस वन बाय फोर ऑफ x है ना, वन बाय फोर ऑफ एयर रिमेनिंग, जितनी एयर है उसमें से वन बाय फोर माइनस कर देते हैं, x माइनस एक्स बाय फोर, एलसीएम आ गया, इट इज थ्री एक्स बाय फोर। नाउ थ्री एक्स बाय फोर माइनस वन बाय फोर ऑफ थ्री एक्स बाय फोर, अभी इतनी हवा रहेगी उसमें, अब उसमें से वन बाय फोर फिर माइनस होगी, एलसीएम आ गया 16, 12 माइनस थ्री 9x अपॉन 16, चलो ए फोर बी, नाउ 9x अपॉन 16 माइनस 1 बाय 4 ऑफ 9x अपॉन 16, 9x अपॉन 16 माइनस 9x अपॉन 64, 36x माइनस 9x 26, 7x अपॉन 64, सो ये टर्म्स आ गई x, 3x बाय 4, 9x अपॉन 16, 27x अपॉन 64, चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, 3x बाय 4 में से x को माइनस करने जा रहा हूं, इट इज माइनस x बाय 4, 9x बाय 16 में से 3x बाय 4 को माइनस कर रहा हूं, एलसीएम 16, 12x माइनस 3x बाय 16, सो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या लिख दूंगा, इट इज नॉट एन एपी, अगर उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा होता तो ये एपी में होते, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी में नहीं है। तो जितने स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन आज मैंने एपी के बारे में डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ आपने, ठीक है, उसको वही होमवर्क करना है सिर्फ आज, एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी। बाय, टेक केयर।